उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से कई राउंड हुई फायरिंग, जिसमें सलमान नाम के बदमाश के पैर में लगी गोली। गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल सीतापुर में भर्ती कराया गया। हम आपको बता दें, यह मामला जनपद सीतापुर के थाना क्षेत्र खैराबाद के अंतर्गत बिस्मा तिराहे पर उस समय हुआ जब बदमाश सलमान ढाबा संचालक अल्ताफ को गोली मारकर लखनऊ की ओर भागने का प्रयास कर रहा था। तभी उसकी पुलिस से मुठभेड़ हो गई। बदमाश सलमान शहर कोतवाली इलाके का रहने वाला है। हम आपको बताते चलें, गुरुवार की रात करीब 9 बजे सलमान बदमाश ने ढाबा संचालक अल्ताफ को उस समय गोली मार दी थी जब वह अपने ढाबे में खड़ा होकर रोटी बना रहा था। गोली कांड सनसनीखेज वारदात के बाद सीओ सिटी पीयूष कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने कई टीमें गठित कर सलमान की तलाश शुरू कर दी। रात करीब 1:30 पर पुलिस को सूचना मिली, ढाबा संचालक को गोली मारने वाला बदमाश सलमान बाइक पर सवार होकर लखनऊ जा रहा है। इस सूचना पर सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह के नेतृत्व वाली टीम 24 पर बिस्मा तिराहे के पास सलमान को रोकने का प्रयास किया, जिस पर सलमान के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्यवाही में पुलिस टीम के द्वारा भी कई राउंड फायर किया गया, जिसमें बदमाश के पैर पर गोली लगने से वह घायल हो गया। घायल बदमाश सलमान को जिला अस्पताल सीतापुर में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव दीक्षित मौके पर पहुंचे। दिनांक 5/8/2021 को प्रभारी निरीक्षक खैराबाद द्वारा रात में सूचना दी गई कि उनके थाना क्षेत्र स्थित एक ढाबे के पास में एक व्यक्ति अल्ताफ को किसी के द्वारा फायर किया गया और उसको चोट लग गई। इस सूचना पर वहां पुलिस पहुंची। मौके की जांच से पाया गया कि अल्ताफ का संबंध फायर करने वाले व्यक्ति की परिवार की किसी महिला से था। उसी में वाद विवाद के क्रम में अचानक उसके द्वारा फायर कर दिया गया, जिससे अल्ताफ को चोट लगी, घायल हो गया। उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया उपचार के लिए, खतरे से बाहर है। अभियुक्त की तलाश में 3 टीमें से सीओ सिटी के नेतृत्व में लगाई गई। इन टीमों द्वारा घेराबंदी की जा रही थी। उसी दौरान अभियुक्त लखनऊ की ओर भागने का प्रयास कर रहा था। पुलिस को देखकर उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और अभियुक्त सलमान के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। उसके पास से कट्टा मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उसको उपचार के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।